हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आज हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियडिक फंक्शन का एक और क्वेश्चन क्वेश्चन है हमारा फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगुलर वेव फंक्शन ये एक स्पेशल काइंड ऑफ वेव होती है जो इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल्स प्रोपेगेट करती है ठीक है ऐसे सो ऑफ पीरियड टू सी ठीक है इसका मतलब है कि इसका जो पीरियड है दैट्स टू सी दैट मीन्स इट मीन्स दैट दिस फंक्शन इज़ अ पीरियडिक फंक्शन ठीक है इसके हर जगह पे जो पीरियड्स होंगे आपको मैंने बताया था पीरियड्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं टू सी यहाँ पे भी होगा आगे भी होगा पहले जब ये एक साइकिल कंप्लीट करेगी तो टू सी यूनिट्स में कंप्लीट करेगी उसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल होगा दैट विल बी ऑल्सो कंप्लीटेड इन टू सी यूनिट्स ठीक है तो इसका मतलब है जो पीरियड है हमारा दैट्स कंसिस्टेंट एवरीवेयर इन द वेव ठीक है तो इसीलिए यहां पे दिया गया है पीरियड ऑफ टू सी गिवन बाय एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी वेन टी इज लेस देन सी एंड इट्स टू सी माइनस टी वैन टी इज ग्रेटर देन सी ठीक है तो पहले हम देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियडिक फंक्शन की फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था मैं फिर से बता देता हूँ एफ ऑफ टी हमारे पास कोई पीरियडिक फंक्शन है और इसका मुझे लाप्लास चाहिए दैट्स ऑलवेज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ई पावर माइनस एस कैपिटल टी विद द लिमिट्स ऑफ जीरो टू कैपिटल टी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये हमारी फॉर्मूला है ठीक है अगर हम यहाँ पे देखें टी की वैल्यू यहाँ पे है एज नो इट्स टू सी तो मैं ऐसे लिखूंगा हेयर लापलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ई पावर माइनस S तो ऑलरेडी यहां पे और टू सी है दैट मीन्स टू सी एस ठीक है एंड जीरो टू कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है टू सी सो अपर लिमिट हमारा फाइनल हो जाएगा टू सी सो ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी अब ये जो वेव है दिस हैज गॉट टू वैल्यूज ठीक है पहले तो जीरो टू सी तक ही है ठीक है उसके बाद जब टी की वैल्यू सी से ज्यादा जाती है और टू सी से कम एट द टाइम इट्स वैल्यू इज टू सी माइनस टी तो इसका मतलब है मैं इस इंटीग्रल को दो में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या राइट इट एज वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ई पावर माइनस टू सी एस ठीक है ये यह ऐसे यहाँ पे और इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जीरो टू सी एट द टाइम हमारी फंक्शन का क्या वैल्यू होता है टी सो आई ऑफ एफ ऑफ टी एवराइट टी डी टी प्लस अब हमारे पास दूसरा भी है सी टू टू सी सी टू टू सी ठीक है उस टाइम पे हमारी एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी होती है टू सी माइनस सी सो आई कैन राइट एज ई पावर माइनस एस टी टू सी माइनस सी डी टी ठीक है और ये चीज जो है बाहर है इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में अलग कर देता हूं क्योंकि दोनों इंटीग्रल्स के साथ होगा अब मैं क्या करूंगा पहले इस चीज़ को सॉल्व करूंगा अब इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व करूंगा देखो यहां पे इंटीग्रल है और इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन है एक फंक्शन एक्सपोनशियल है एक फंक्शन हमारी है एल्जेब्रिक ठीक है तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे हम किसको पहले सोल्व करेंगे या हम किसको यू मानेंगे और किसको वी विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं पर उससे पहले हमें देखना होगा यू और वी दोनों में से क्या है ठीक है तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बाय आईलाइट फॉमूला आपको मैंने पहले ही बताया मैं फिर से बता देता हूं जल्दी से आई लेट आई एल ए टी ई आई हो गया हमारा इनवर्स एल हो गया लॉगरिथमिक और सिंपली लॉग ए हो गया एल्जेब्रिक टी इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई इज एक्सपोनशियल तो हम अपना यू ओ टी कैसे डिटरमाइन करते हैं बाई सी दिस टेबल ऊपर से लेके नीचे तक ठीक है तो यहाँ पे इनवर्स जो है पहले आता है उसके बाद लॉग पहले आता है उसके बाद एलजेब्रिक उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल जो है वो सबसे लास्ट में आता है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल है तो इसको मैं मानूंगा अपना वी ठीक है ठीक और टी जो है टी जो है यहाँ पे क्या है हमारा एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक एक्सपोनशियल पहले आता है तो टी का मैं रखूंगा यू ठीक है तो हमने कंसिडर किया है यहाँ पर वी एज ई फॉर माइनस एस टी और यू एज टी यहां पे भी ऐसे ही करेंगे ये भी एक्सपोनेंशियल है तो इसका वैल्यू v इसको हम v कंसीडर करेंगे 2c माइनस 2c माइनस t टी है यहां पे सॉरी 2c सी टी को हम कंसीडर करेंगे एज क्या करेंगे u बिकॉज इट्स एलजेब्रिक ठीक है अब जब हमने ये किया अब इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं बाई इसको मैं ऐसे लिखता हूं बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वो क्या कहता है टेल यू u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शन यहां पर भी दो फंक्शन होल इंटीग्रेशन डी एक्स तो ये जो फॉर्मूला है यहां पर मैं अप्लाई करूंगा यहां पर भी अप्लाई करूंगा और उसके बाद लिमिट्स पुट करूंगा इसमें और मेरा जो फाइनली आंसर आएगा ये ठीक है और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा यहाँ पे ठीक है और मेरा फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये ठीक है अब इसके बाद स्टेप में क्या करूंगा मैं क्या करूंगा एस स्क्वायर को मैं बाहर निकालता हूँ यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर लिखूंगा मैं ठीक है और अंदर बचा वन माइनस टू ई पॉर माइनस टू एस प्लस ई माइनस टू सी एस ठीक है इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ इसके बदले मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना ए प्लस बी का होल स्क्वेयर या मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन माइनस ई पावर माइनस सी एस होल स्क्र इसके बदले और इस चीज़ के बदले वन माइनस ई पावर माइनस टू सी एस अंदर जाएगा इसके बदले मैं लिख सकता हूँ वन माइनस ई पावर माइनस सी एस या वन प्लस ई पावर माइनस सी एस इंटू वन माइनस ई पावर माइनस सी एस ठीक है देखो ये कैसे आ जाएगा ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्यर माइनस टू ए बी इंटू मतलब प्लस बी स्क्र ठीक है और उसके बाद इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर वन आ जाएगा माइनस बी स्क्र आ जाएगा ये ठीक है आया समझ है ना आसान यहां तक अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं यहाँ पर लिखूँगा ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय s देखो यहाँ पे 1 माइनस ई पावर माइनस सी होल स्क्वायर है यहाँ पे है 1 माइनस ई पावर माइनस सी तो ये कट हो जाएगा यहाँ पे एक बच जाएगा उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ठीक है 1 माइनस ई पावर माइनस सी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर माइनस सी ठीक है नेक्स्ट स्टेप मेरा ऐसा होगा मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय e पावर सी एस डिवाइडेड बाई टू ठीक है जब मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगा नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जो फंक्शन है ये सेम रहेगा ठीक है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं ऐसा करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा तो वन डिवाइड बाई एस में बाहर ही लिखूंगा ठीक है वन डिवाइड बाई एस स्र है वैसे ठीक है तो जब मैं e पावर सी एस डिवाइड बाई टू इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा e पावर सी एस डिवाइड बाई टू माइनस ई पावर माइनस सी एस बाई टू और जब मैं डिनोमिनेटर में ई पावर सी एस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा ई पावर सी एस डिवाइड बाई टू प्लस ई पावर माइनस सी एस डिवाइड बाई टू ठीक है अब मैंने ऐसा क्यों किया ताकि मैं इसको बना सकूं इन द फॉर्म ऑफ ई पावर एटी माइनस ई पावर माइनस एटी डिवाइड बाई टू जो है 80, 80, e e होता है हमारा साइन हाइपरबोलिक हाइपरबोलीटी ठीक है और डिनोमिनेटर बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिकेटिव ई पावर एटी प्लस ई पावर माइनस एटी डिवाइड बाई टू होता है कॉस हाइपरबोलिकेटिव ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन डिवाइड बाई एस स्क्वेयर इसके बदले मैं लिखूंगा साइन हाइपरबोलिक

और चाहते हो मैं ऐसा ही कंटेंट रोज लाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक like करना थैंक यू